अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि व्हाई वी नीड डाई लाइन और की लाइन, और आज इस वीडियो में हम एक बॉक्स की ई लाइन भी बनाएंगे। वो सिंगल टक बॉक्स है, इसका सिंगल ऊपर वाला फ्लैप होता है। अच्छा, मेरे पास एक ये बॉक्स है, ये है जिसका बस एक ही पर फ्लैप होता है, उसको बोलते हैं सिंगल टक। कुछ बॉक्सेस का नीचे से भी एक टक निकला हुआ होता है, जैसे कि इजी अल्फाज में ये बोला जाता है, एक फ्लैप निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं डबल टक। इसमें लॉक लगा हुआ है, तो ये बॉक्स मैं यहाँ पे फिलहाल रख रहा हूँ, ये बॉक्स में रख रहा हूँ, आपको इजी रहेगा। अच्छा, सबसे पहले हमें की लाइन चाहिए होती है। क्लाइंट से जब भी बात करें और कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, क्लाइंट से हमेशा आपने की लाइन लेनी है। कहीं कल को ये ना बोले क्लाइंट के आप डिज़ाइन इस वाले साइज के ऊपर एडजस्ट कर दो, तो क्या है कि आपका डिज़ाइन जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा, वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। और बार दफ़ा आपने लोगो किस प्लेसमेंट में रखा होता है, क्लाइंट को ये नहीं समझ पाता, क्योंकि क्लाइंट डिज़ाइनर नहीं है। आप डिज़ाइनर हो और आपको अपने लिमिट में और उस हिसाब से चलना पड़ता है। आप की लाइन नहीं, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करो, यही एटीट्यूड होना चाहिए था रियल ग्राफिक डिजाइनर। अब हम बात करते हैं कि बॉक्स के लिए हमें 3 डायमेंशन की ज़रूरत होती है, वो है लेंथ, विड्थ और हाइट। अच्छा, जो ये है लेंथ, अगर हम यहाँ से और यहाँ से स्केल रखें, इसको बोलते हैं लेंथ, विड्थ इसको बोलते हैं, विड्थ यानी कि डब्बे की मोटाई, और हाइट इसको बोलते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक बॉक्स की। ठीक है, इसी से हमारे पूरे बॉक्स की लाइन बनती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आज इसको बनाया है, इस फॉर्मूले को, ये वाली फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हमारे पास है 200 mm लेंथ, 95 mm विड्थ है और 155 mm हाइट है। हम सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं लेंथ और हाइट का, क्योंकि लेंथ और हाइट इससे हमारा फ्रंट बन जाएगा। अब जैसे 200 mm मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200 mm और हाइट में लिखता हूँ 155 mm, तो हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा। इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, तकरीबन 5 का दे देता हूँ, ताकि हमें इजी रहे। ठीक है, फिर उसके बाद है विड्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया विड्थ, अब हमारे पास ये चीज़ बन गई है, तो अब हम ये चीज़ बनाएंगे। इसको मैंने करा कॉपी, ऑल्ट दबा के, ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया पिवट पॉइंट लेफ्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि राइट से बहुत ज़्यादा पार्ट निकला हुआ है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, इस पर क्लिक करा और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया विड्थ पे 95, इंटर दबा दिया। अब मेरे पास ये वाला जो साइड है ये बन चुका है, फ्रंट बन चुका है, और फ्रंट का हाइट है वो भी बन चुका है। अब इसी से हम ये वाला जो फ्लैप है ये बनाएंगे, ये वाला फ्लैप बनाएंगे, ये जो बंद हो जाता है, ठीक है, ये जो बंद हो जाता है इसको हम बनाएंगे। आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो वाला साइड वाला जो हमने बनाया ना 95 mm वाला, इसको हम उठाएंगे, ऑल्ट दबा के यहाँ पर लेकर जाएंगे और रोटेट कर देंगे। रोटेट कर दिया और इसकी जो भी विड्थ वगैरह है वो सेम टू सेम हमारे बॉक्स की लेंथ जितनी कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया। फ्री बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये वाली फाइल तो मैं आपको दूंगा ही, ये आपको इतनी हेल्प करेगी कि आप इससे कोई भी सिंगल टक विथ लॉक आप कोई भी डायलाइन बना सकते हैं। बाकी मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊँगा जिससे आप किसी भी तरीके की डायलाइन बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने ये सीखना नहीं है। ठीक है, मैं इसको भी 5 width कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो लेंथ और विड्थ है इसको मैं कॉपी करूँगा, आगे की तरफ लेके चलूँगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं ये वाले साइड वाले फ्लैप। अच्छा, बाद में डिज़ाइन वाले फ्लैप होते हैं, अभी फ़िलहाल हम डिज़ाइन वाले नहीं बनाएंगे। डिज़ाइन वाले में थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निक्स यूज होती है, हम अभी सिंपल और बेसिक डायलाइन बना रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने लिखा है -45 हाइट फ्रॉम फ्लैप। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने विड्थ सेम टू सेम विड्थ जितनी रख ली जो हमारे साइड ऑफ द बॉक्स की थी। अब इसकी हाइट मैंने लिखी है -45%। इसको मैंने सेलेक्ट करा, इसकी हाइट में गए और यहाँ से मैं नीचे वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, पिवट पॉइंट 95 है। मैंने यहाँ पे करा -45%,
बहुत इजी है, आपने एंटर दबाना है, ये ऑटोमेटिकली हमारा एक स्लैब बन गया। सेम गोज फॉर दिस, यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है और राइट साइड वाले बॉक्स पे हमने लगा देना है। ठीक है, अब हम बनाते हैं सबसे पहले बॉटम, यानी कि इसके लॉक्स, ये किस तरीके से लॉक हो जाते हैं अगर इसमें कोई भारी चीज रखी जाए और वो गिरे ना। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने जो फ्लैप है इसको कर लेना है कॉपी, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और इसमें मैंने लिखा है -25% हाइट फ्रॉम फ्लैप। फ्लैप से आपने क्या करना है, हमने फ्लैप कॉपी करा, इसमें से हमने वापसी अब ये टॉप वाला कर लेंगे क्योंकि हमें टॉप वाला रेफरेंस पॉइंट चाहिए। माइनस मैंने क्या लिखा था, -25% फ्रॉम हाइट हमारी। अब इसकी लॉक की हाइट हमें पता चल गई, फ्लैप से माइनस कर दो 25%। अच्छा, इसका जो लॉक है वो साइड से, वो उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। विड्थ जो है हमारे पास है -45% फ्रॉम इनसाइड फ्लैप। अच्छा, इनसाइड फ्लैप हमने बनाया नहीं है, तो हम जो प्रोडक्ट अंदर जो डला हुआ होता है उसकी जो वजन होता है उसके हिसाब से बनता है। अब जैसे कि ये है, इसके इस लाइट का वजन ज्यादा था तो इन्होंने तकरीबन 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर जितना बनाया। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो हल्का है तो ये छोटा सा बनेगा। अभी हम इसकी बना लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करा, हाइट कर दिया मैंने 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 cm, और इसको मैंने सेम स्ट्रोक दे दिया कंट्रोल वाई आउटलाइन के लिए, ताकि हमारी जो जितनी भी की लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर रहे। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा कॉपी नीचे। अच्छा, मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, -45% विड्थ फ्रॉम इनसाइड फ्लैप। हमने इनसाइड फ्लैप बना लिया है, ये इनसाइड फ्लैप है, और इसमें से जितनी भी इसकी विड्थ है उसमें से हम -45% कर देंगे तो इसका एक लॉक बन जाएगा, -45%। तो ये आपका बन गया। अब आपने क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट एम दबाना है कीबोर्ड में और ऑल्ट को होल्ड करना है और यहाँ से इसमें ड्रैग कर देना है। तो ये क्या होगा कि आपका एक सिंपल बेसिक सा लॉक बन चुका है। अब इसके बॉटम के साइड फ्लैप्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा क्या करना है कि जो अभी अभी हमने बनाया ना लॉक, इसको हमने करना है कॉपी। ठीक है, और इसकी ये वाली चीज को डिलीट कर देना है। ठीक है, इसकी ये वाली चीज को हमने डिलीट कर दिया। आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, इस पे इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, ये पकड़ा और हमने ये लगा दिया कंट्रोल वाई, और पी दबाना है फॉर पैन टूल। हमने यहाँ से एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है और इसके ऊपर एक एंकर पॉइंट बना देना है। तो ये पैन टूल से एक लाइन सेगमेंट बन गई। अब हमने क्या करना है कि इसको कॉपी करना है। ये जो 45 डिग्री मैंने बताई है, ये उन लोगों के लिए जो कस्टम बनाते हैं, तो ये 45 डिग्री ही रहती है। और मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको मिरर कर दूंगा। ओ दबाना है और माउस से शिफ्ट दबाते हुए रहना है, होल्ड करना है और यहाँ से मैं कर दूंगा इसलिए डायरेक्ट मिरर हो जाता है, हमें कोई टूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब हमने सेंटर वाला लॉक बनाना है। इसके अंदर जो एक होता है सेंटर वाला लॉक, हमने बनाना है ये वाला सेंटर वाला लॉक बनाना है। आपने क्या करना है कि इस वाले फ्लैप को कॉपी करना है और इस वाले फ्लैप को भी कॉपी करना है। ठीक है, दोनों को कॉपी कर लिया आपने, और ये इनकी जो वर्टिकल लाइन सेगमेंट है डायरेक्ट सिलेक्शन से उड़ाने नहीं है, डिलीट कर दो उसको। और आखिरी के जो दो एंकर पॉइंट्स है आपने इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जे दबा देना है। तो एक ईजी वे से आप किस तरीके से एक सिंगल टच बॉक्स बना सकते हैं। मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ क्या होती है, वेट क्या होती है, हाइट, ये सेम यही वाली फाइल मैं आपको गूगल ड्राइव में अपलोड करके शेयर कर दूंगा। इससे आप किसी भी दुनिया के डब्बे को बना सकते हैं सिंगल टक। अच्छा, डबल टक में क्या हो, डबल टक ये होता है कि जैसे कि ये हमारा सिंगल फ्लैप है, ये हमारा कॉपी हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है, और ये लॉक वाली झंझट हमारी खत्म हो जाती है।
तो आज हमने एक डायलाइन बनाई बॉक्स की, सिंगल टक की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी सिलेंडर ऑब्जेक्ट की किस तरीके से डायलाइन बनती है अगर हमारे पास सिर्फ सरकमफेरेंस हो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।